कि आज एक दिवसीय हम लोगों का ये घटना का कार्यक्रम, क्योंकि हम पांच मांगों को लेकर कल महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हमने कल ज्ञापन सौंपा था। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ता अपने निवास में धरने बैठे हुए, प्रमुख रूप से जो मांग है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कांग्रेसी सरकार अपने घोषणा पत्र में जो बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में हम पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे, और एक बड़ा अच्छा अवसर था कि अब ये वैश्विक महामारी के इस दौर में आप 40 दिन तक लॉकडाउन की स्थिति में पूरे शराब दुकानें बंद होने के बाद यह अवसर था कि पूरा शराबबंदी यहाँ पर करते, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में सरकार लॉकडाउन तो चली रही, उसके बाद भी शराब को दुकान खोलने के बाद जिस प्रकार की भीड़ दुकानों में दिख रही है, जिससे यहाँ पर कोरोना की मरीजों की संख्या भी कहीं बढ़ सकती है, उसके साथ साथ एक घर पहुँच सेवा भी कर रही है, बिल्कुल इसका हम विरोध करते हैं। और पूरा जो अपने घोषणा पत्र पर अमल करते हुए वर्तमान सरकार को तत्काल शराबबंदी यहाँ पर करना चाहिए, लागू करना चाहिए, पूर्णतः शराबबंदी होना चाहिए। उसके साथ साथ किसानों के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, ये सरकार बनते ही एक वादा की थी किसानों का, हम धान का बोनस देंगे, तो 2 साल का धान का बोनस तत्काल दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो 2500 रुपये तक टोटल यहाँ पर राशि देने की बात थी, तो उसमें अंतर की राशि को भी तत्काल भुगतान करें। उसके साथ साथ फरवरी में, जो कि 20 फरवरी तक धान खरीदी होनी थी, उसमें 2-3 दिन का जो किसानों का जो टोकन कटने के बाद भी उनका धान नहीं खरीदा गया था, उन किसानों का धान खरीदी की पूरी व्यवस्था सरकार करे, ये हमारी मांग। उसके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं, अब उनको लाने की व्यवस्था करे, उनके खाते में भी तत्काल सरकार 1000 रुपये उनके खाते में डाले, ये हमारी मांग। इन मांगों को लेकर के हमारे प्रदेश में पूरे सभी हमारे कार्यकर्ता अपने निवास में धरने के रूप में 3 बजे से 5 बजे के मध्य सब बैठे हैं, ये सरकार को जगाने के लिए, और ये हमारी मांग पर तत्काल सरकार को लेना चाहिए हमारी मांग। राज्य सरकार का कहना है कि शराबबंदी को अनुमति केंद्र सरकार ने दी। देखिए, सरकार केंद्र से दिए, ये तो अब घोषणा पत्र में रखते थे कि नहीं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन्होंने रखा था, उस घोषणा पत्र के आधार पर ही हम कह रहे हैं कि यहाँ शराबबंदी होना चाहिए। अब 40 दिन लॉकडाउन में बंद था तो पूरा ही बंद कर देते, उसमें कोई हर तो नहीं, आपने घोषणा पत्र में तो कोई मोदी जी को पूछ के तो नहीं लिखा था कि हम घोषणा पत्र में कि शराबबंदी करेंगे। तो अपने घोषणा पत्र को अमल करते हुए जो गंगा जल लेके ये बड़ी बातें कर रहे थे, उसका कम से कम इन वादों को ये सरकार को तत्काल उसको पूरा करना चाहिए। उन बातों को जो इनकी मांग है उस पर हिला हवाला ना करते हुए उसको पूर्ण रूप से शराबबंदी की बात है उसको लागू करना चाहिए। पूरी जनता की भी मांग है, उसको हम होना चाहिए सरकार।